गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 10 महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का पार्ट शुरू करेंगे, जो कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब हम आगे पढ़ेंगे। कलकत्ते, यानी जिसको पहले कलकत्ते बोला जाता था, कोलकाता, जिसको पहले कोलकाता बोला, अब उसको कलकत्ता बोला जाता है, में अध्यापन और उपदेश में अत्यधिक श्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। जब वो कोलकाता में थे, जिसको अब कलकत्ते बोला जाता है, जब वो कोलकाता में थे तो क्या हुआ था, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, पूरे दिन रात वो काम करते थे। इसी वजह से क्या हुआ, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, उनके जो स्वास्थ्य थे वो ख़राब होने लग गई, और जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें दार्जिलिंग जाना पड़ा। और क्योंकि जलवायु भी वहाँ का थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए उन्हें कहाँ भेज दिया गया, दार्जिलिंग। इसलिए वो दार्जिलिंग गए। उन्होंने वहाँ पर दो मठ स्थापित किए। उन्होंने वहाँ पर क्या किया, दो मठ स्थापित किए, जहाँ पर क्या किया जाता है, मठों में आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है बच्चों को, धर्म के बारे में जानकारी। इनके कुछ दिन बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। कुछ दिन बाद क्या किया, उन्होंने रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना कर दी। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रसार करना है। और इस संस्था का उद्देश्य क्या था, कि लोगों की सेवा करनी है और वेदांत, जो हमारे वेद वगैरह हैं, हमारे जो संस्कृति है, उसका क्या करना है, प्रसार करना है, उसके बारे में लोगों को बताना है। इनकी शाखाएँ भारत के हर भाग में तथा विदेशों में भी विद्यमान हैं। जो इनके भाग हैं, इनके जो शाखाएं हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, इनके जो ब्रांचेस हैं, भारत के हर भाग में हैं और विदेशों में भी स्थित हैं, और वे जनता का बहुत उपकार कर रही हैं। तो ये जो रामकृष्ण मिशन है, ये आज के टाइम में भी जनता का ये बहुत धार कर रहे हैं और बहुत मदद कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें। अधिक श्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। इन दिनों वह अक्सर, यहाँ आपकी जगह वह आएगा, वह अक्सर समाधि की अवस्था में रहा करते थे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से क्या हुआ, स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, और वो हमेशा क्या रहते थे, समाधि लेने की अवस्था में रहते थे। और अपने भक्तों से कहा करते थे कि अब मेरे महाप्रयाण का समय बहुत समीप है। और ये कहा करते थे कि मेरे महाप्रयाण का समय बहुत समीप है, यानी कि वो बिल्कुल समाधि ले, मतलब डेट मीन्स कि वो मरने वाले हैं, इस बारे में उन्होंने बताया अपने भक्तों को। ठीक है, महाप्रयाण का मतलब होता है मृत्यु या फिर अंतिम समय। 14 जुलाई 1902 को एकाएक आप वह समाधिस्थ हो गए, आपकी जगह वह आएगा। तो 14 जुलाई 1902 में क्या हुआ कि वो क्या हो गए, उन्होंने समाधि ले ली अचानक से। सवेरे 2 घंटे वो समाधि में रहे। दोपहर को शिष्यों की पाणिनि ने व्याकरण पढ़ाया, और तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश करते रहे। फिर लास्ट शाम के समय उन्होंने क्या किया, वेदों को पढ़ा 2 घंटे तक। इसके बाद वह टहलने को निकले। शाम को लौटते तो थोड़ी देर माला जपने के बाद फिर समाधिस्थ हो गए। फिर शाम को टहलने निकल गए पढ़ने वढ़ने के बाद, फिर क्या हुआ आए और फिर वो माला जपने लग गए और फिर समाधि में चले गए। और इस समाधि की अवस्था में वह पंचभौतिक शरीर को त्याग कर परम धाम को सिधार गए। और ये जो इन्होंने आखिरी समाधि ली थी, उस समय क्या हुआ कि अपने शरीर को त्याग कर चले गए गॉड के पास, भगवान के पास। स्वामी जी आज हमारे बीच में नहीं है, पर आध्यात्मिक ज्योति की जो मसाल वे जला गए हैं, वह सदा के लिए संसार को आलोकित करती रहेगी। स्वामी जी ने क्या बोला कि जो स्वामी जी अब हमारे बीच नहीं है, स्वामी जी ने कुछ नहीं बोला, मैं बता रही हूँ आपको, स्वामी जी अब हमारे बीच नहीं है, पर आध्यात्मिक ज्योति की जो मसाल जलाई थी, वो अभी भी क्या है, जल रही है, और वह सदा समाज में जलती रहेगी, हमारे संसार में। और पाठ का उद्देश्य क्या है वो पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य पाठकों के हृदय में विवेकानंद जी के आदर्श चरित्र से रहित होकर सद्गुणों का विकास करना तथा आदर्श जीवन अपनाने की प्रेरणा देना है। तो ये जो पाठ है, इसमें क्या है, उद्देश्यों के हृदय में विवेकानंद जी के आदर्शों और चरित्र को
चरित्र से प्रेरित होकर सद्गुणों को अपनाना और अपना विकास करना है, अपने जीवन में उनकी आदेशों को लाना है, इसलिए ये पाठ पढ़ाया गया है। पाठ के द्वारा मानव सेवा को ईश्वर भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन मानने की बात की गई है। पाठ में ये भी बताया गया है कि लोगों की सेवा करना ही क्या है, ईश्वर भक्ति है, ईश्वर की सेवा करना है। लेखक दीन दुखियों के प्रति सेवा भाव जगाने की भावना उत्पन्न करने में सक्षम सिद्ध हुए हैं। और जो लेखक हैं उन्होंने क्या किया है, लोगों के मन में दीन दुखियों के प्रति, जो गरीब लोग हैं उनके प्रति, जिनको ज़रूरत है किसी की मदद की, उनके प्रति सेवा भावना लोगों में जागृत करने में जो लेखक हैं वो सफल रहे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपको क्या करना है, इसके वर्ड मीनिंग करने हैं कॉपी में, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिख के सेंड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।